Assalamualaikum, उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मैं हूँ हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब सीरीज। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फ्री के जो हमारे टैग्स जनरेटर टूल्स हैं, मतलब टैग्स वेबसाइट्स हैं, वो देखेंगे। फ्री में जो वेबसाइट्स हमारे लिए टैग्स निकाल के हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं, किस तरह से कर रही होती हैं, क्या क्या टैग्स कर रही होती हैं, हमें किस तरह से टैग्स फाइंड करने होते हैं, वो हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी टैग्स की मैं वीडियोस बना रहा हूं, ये आपने एक ही प्लेटफॉर्म से सारे टैग्स कॉपी नहीं करने। अगर करते हैं तो आपकी मर्जी है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सारे वेबसाइट्स जितने भी आपको प्लेटफॉर्म मिले उन सब प्लेटफॉर्म को देखें, सर्च आउट करें, अपने टैग्स निकालें, निकाल के एमएस वर्ड पे टाइप करें, बेस्ट टैग्स उठाएं, उठाकर अपने यूट्यूब वीडियो के लिए रिकमेंड करें, मतलब यूट्यूब अपनी वीडियो के लिए लगाएं। सारे यूट्यूब के लिए जो टैग्स वेबसाइट्स हैं वहां पर जाएं, अपने टैग्स निकालें, निकालने के बाद वहां से सारे टैग्स निकालकर आप एमएस वर्ड में टाइप करें, फिर एमएस वर्ड में लाकर आप जो मेन मेन टैग्स होंगे वो आपने सेपरेट करके अपने यूट्यूब चैनल के लिए लगाने, अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए यूज़ करने हैं। तो आज हम लोग फ्री की वेबसाइट्स हैं जो टैग्स के लिए हैं वो देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं मैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो हमारी गूगल एड्स नहीं भाई, ये लास्ट में हम लोग करेंगे और पूरी एक वीडियो इसके ऊपर मैंने बनानी है और डिटेल बनानी है, स्टेप बाय स्टेप बनानी है। तो जैसे अभी हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। फर्स्ट नंबर पर है वो कीवर्ड टूल है, वैसे ये फ्री नहीं है, इसमें भी आप लोगों को जाहिर सी बात है आप लोगों को कहीं ना कहीं से परचेज करना ही पड़ता है। बट यहाँ पर जो कुछ टैग्स हैं, मतलब सारे टैग्स तो आपको फ्री मिल रहे हैं, तो बट कुछ फीचर्स जो हैं इस वेबसाइट पर आपको वो नहीं अवेलेबल मिलते क्योंकि आप फ्री वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं। तो टैग्स यहाँ पर यूट्यूब के लिए, गूगल के लिए, बिंग, अमेज़ॉन, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टा, ट्विटर, तो यहाँ पर आपको सब प्लेटफॉर्म के यहाँ पर आपको टैग्स मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। हमने यहाँ से यूट्यूब प्लस गूगल दोनों के टैग्स यूज़ करने हैं, कुछ गूगल के उठाएंगे क्योंकि हमें गूगल में भी अपना सर्च रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। वैसे YouTube और Google के जो टैग्स होते हैं सिमिलर ही होते हैं, बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है हम वो निकाल के अपने YouTube चैनल पर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोई भी टैग, रैंडम सा लिख लेता हूँ, हाउ टू क्रिएट तो यहाँ पर सर्च पर हम लोग क्लिक कर देते हैं या फिर इंटर प्रेस कर दें आप, तो तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 सेकंड्स आपको होल्ड रखना है, रीडायरेक्टिंग आपको करेगा अपने सर्वर पे, और फिर आपको यहाँ पर कीवर्ड जो होंगे वो आपको सर्च करके देगा। तो इसको हम लोग क्रॉस करते हैं और फ्री वेरिएंट में जो जो चीज़ें यहाँ पर हमें मिल रही हैं वो जस्ट टैग्स मिल रहे हैं, क्योंकि अब भाई 100% फ्री तो कोई वेबसाइट भी आई थिंक टैग्स इस तरह से प्रोवाइड नहीं करेगी। सर्च वॉल्यूम कितना ये आपको नहीं देंगे, ट्रेंड किस मतलब कीवर्ड का ज़्यादा ये नहीं देंगे, सीपीसी है क्या है, मतलब के कितना इस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइज़र ने पैसा लगाया आई थिंक सो, अगर मैं सही हूँ तो। उसके बाद कंपटीशन इसमें कितना है ये भी आपको नहीं बताएंगे, तो पूरा का पूरा यहाँ पर ब्लर दिया गया है। तो बहुत सारे हमें टैग यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आपने ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे कीवर्ड, वैसे आप यहाँ से कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे या फिर एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू सीएसवी भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादातर रिकमेंड मैं यही करूँगा कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें और सारे नहीं करने आपने। अब यहाँ पर जिस तरह से हाउ टू क्रिएट थंबनेल फॉर यूट्यूब है, ये आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर कैनवा पे हम लोग अगर करें तो हम कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट पे कार्ड करें तो वो भी हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। आईफोन पे करें वो भी कर सकते हैं। वीडियो ऑन यूट्यूब स्टूडियो, हाउ टू थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो ऑन यूट्यूब स्टूडियो, ये आई थिंक से कुछ अलग सा आ रहा है। मतलब आपको वो टैग यहाँ से चूज़ करने हैं
मतलब बहुत सारे टैग्स आएंगे, ये सब टैग्स आपके सामने आएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार कौन से टैग्स आपने यूज़ करने हैं और कौन से टैग्स आपने नहीं यूज़ करने हैं। यहाँ से आपने आइडिया ले लेना है कि यार कौन से टैग जो हैं ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और कौन से ज़्यादा टैग जो हैं रिकमेंडेशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने आइडिया लेना है, आइडिया लेने के बाद आगे आपको वेबसाइट्स ऐसी मैं ज़रूर बताऊँगा और वो भी आपने जाकर वहाँ पर लाजमी जाकर अपने अपने टैग्स सर्च करने हैं। वहाँ पर टैग वॉल्यूम भी आएगा आपके पास, जो लास्ट में आपको मैंने वेबसाइट बतानी है गूगल एड्स के थ्रू, सर्च वॉल्यूम भी आएगा, ट्रेंड भी आपको, ट्रेंड तो खैर शो नहीं होगा, सर्च वॉल्यूम कितनी है, सीपीसी आपके पास आ रही होगी वहाँ पर, आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर आपको फ्री में ही मिल जाती हैं। तो आपको खामखा के पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है इन वेबसाइट्स पे, जिसके पास ज़्यादा है तो भाई लगा सकता है। तो यहाँ पर आपने आना है लाइक अडोब फोटोशॉप में करें तो फोटोशॉप का भी होना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है जब फोटोशॉप होगा पिकआर्ट को ख़त्म करना होगा हमें, एंड कैनवा को भी ख़त्म करना होगा, एंड आईफोन को भी ख़त्म करना होगा, तो हमारे जो टैग्स होंगे वो लिमिटेड हो जाएंगे। हाउ टू क्रिएट, मतलब ये कुछ चंद एक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ, एमएस वर्ड में आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो जैसे देखें कि हमारे पास यहाँ पर कॉमा आया है, कॉमा जैसे ही हमारे पास आया तो हमारे पास जो टैग्स हैं वो एक एक करके एक एक लाइन में आए हैं। अगर ये मतलब कॉमा ना होता तो हमारे पास सारे के सारे टैग्स बिल्कुल लाइन वाइज आ जाते हैं। अब हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, मतलब गूगल को आपने यहाँ से प्रेस करना है, स्विच हो जाएगा गूगल पे और आपके पास टैग्स आएंगे। फिर आपने यहाँ पर भी एक नज़र डालनी है, क्या आपके YouTube के टैग जो हैं वो गूगल के टैग से सिमिलर हैं, अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने मैन मैन टैग जो हैं यहाँ से भी आपने उठा लेने हैं, ताकि आपके जो वीडियोस हैं YouTube की वीडियोस हैं वो गूगल के सर्च इंजन में भी आए। तो ये था हमारे पास कीवर्ड टूल जो हमने मतलब के फ्री में यूज़ किया। बाकी अगर आपने इसको और सर्च करना है तो जाहिर सी बात है आपको इस पे टाइम लगाना पड़ेगा, इसको सर्च आउट करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना होगा, तब आपको बहुत सारी और चीज़ें आएंगी लाइक एनालाइज, कंपटीटर्स और जितने भी यहाँ पर फंक्शन गिवन दिए गए हैं। तो हम लोग अभी सेकंड वेबसाइट पर जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर आप थ्री टैग्स आपसे मांगता है, तो थंबनेल फॉर जस्ट थंबनेल कर देते हैं, एंड थंबनेल ऑनलाइन कर देते हैं। वैसे एक भी आप यहाँ पर सर्च आउट आई थिंक कर सकते हैं, बट यहाँ पर तीन रिकमेंड कर रहा था तो मैंने तीनों के तीनों टैग्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पर ये सर्च आउट कर रहा है, कितने टैग्स हमारे लिए सर्च करेगा तो वो हम लोग देखेंगे। तो फिर से हमारे पास यहाँ पर मंथली वॉल्यूम क्या है, एडवर्ड सीपीसी क्या है, इसका एडवर्ड कंपटीशन क्या है, ट्रेंड कितना है, ये सब कुछ हमें नहीं यहाँ पर दिया जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर जाहिर सी बात है जब तक परचेज नहीं करेंगे तो भाई इन्होंने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी। हमें जस्ट यहाँ पर टैग्स जो हैं हमारे वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें फ्री के जो टैग्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सर्च है आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो सर्च बार मतलब सर्च कर रहा है, 16 टैग्स यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं, तो आपको थोड़ा इस यहाँ पर वेट करना है, यहाँ पर जब तक ये मुकम्मल सर्च आउट नहीं कर लेता तो आपको यहाँ पर वेट करना है, और वेट करने के बाद जैसे ही सर्च कर ले तो आपको यहाँ पर आके अपने टैग्स देखने हैं, लाइक हाउ टू क्रिएट थंबनेल फॉर यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट थंबनेल फॉर यूट्यूब फ्री, हाउ टू क्रिएट थंबनेल फॉर यूट्यूब इन हिंदी। तो यहाँ पर मतलब हमें टोटली डिफरेंट टैग्स देखने को मिल रहे हैं। कंपेयर करें हम लोग कीवर्ड टूल्स को, तो बार बार मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि आपने बहुत सारी वेबसाइट मतलब सारी वेबसाइट्स जितनी मैं बता रहा हूँ या फिर आपके माइंड में कोई हैं वो आपने मतलब कि यूज़ करनी है, वो आपने सारी लगानी है, देखनी है, और देखने के बाद कंपेयर करके आपने फिर अपने टैग्स फाइंड करने, क्योंकि एक वेबसाइट सेकंड वेबसाइट से बिल्कुल डिफरेंट टैग्स आपको देती है, जिससे आप हमारे पास यहाँ पर टोटली सेपरेट टैग्स आ रहे हैं और यहाँ पर टैग जनरेटर में जाते हैं तो हमारे पास बिल्कुल सेपरेट टैग्स आ रहे हैं। तो यही चीज़ हमें चाहिए, तो हमें ये चीज़ ही देखनी है। तो टैग्स यहाँ पर सर्च आउट होते ही जा रहे हैं, 130 टैग्स, 137 टैग्स यहाँ पर सर्च आउट हो गए हैं और होते ही जा रहे हैं, मतलब कि ये नेक्स्ट टैग आपके पास आते हैं, तो आपने देख लेना है कि आपको कौन से टैग जो हैं वो यहाँ से उठाने हैं।
तो ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप यहाँ से जाहिर सी बात है इसको कॉपी कर सकते हैं पीडीएफ में, एक्सेल में या फिर सीवीएस में कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद, बिल्कुल कॉपी नहीं, ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। टैग जनरेटर के नाम से आपके पास एक न्यू एक्सेल फाइल बन जाएगी, तो वहाँ पर आपके सारे टैग जो आपने यहाँ पर क्लिक किए होंगे, टिक किए होंगे, वो सारे आपके पास आ जाएंगे। अभी मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो टैग्स यही जो मैंने सेलेक्ट किया है यही वहाँ पर भी आने हैं, तो जस्ट आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर आप समझ आएंगे। उसके बाद यहाँ पर रैपिड टैग्स हैं जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग यूट्यूब चैनल बेस्ट एंड इम्पोर्टेड सेटिंग जो कि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने, मतलब जो पिछली वीडियो मेरी वहाँ पर मैंने सर्च आउट यहाँ पर भी किया था कि कौन कौन से टैग मुझे यहाँ पर मिलते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ है यहाँ पर, बिल्कुल आपको ये नहीं है कि कोई पेड चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी इनकी चीज़ें जो है, तब आप उसे किसी और डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपको देंगे। यहाँ पर आपने जस्ट अपना टैग जो है वो लिखना है, लिखने के बाद सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपके पास आपके टैग्स आ चुके हैं। तो YouTube चैनल सेटिंग, YouTube चैनल सेटिंग 2020, YouTube चैनल सेटिंग, मतलब सब कुछ आपने आपके पास यहाँ पर आ रहा है। एग्री करना है तो एग्री करना, नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। कॉपी करें, कॉपी करने के बाद फिर से MS Word पर आना है और MS Word के बाद आपने पेस्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर कॉमा नहीं आया, कॉमा आया ही नहीं है, मतलब आया ज़रूर है लेकिन यहाँ पर CVC जो हम लोग मतलब कॉमे के साथ जो पहले पेस्ट हो रही थी वो नहीं आया। तो आपको यहाँ पर ला के सारे टैग्स पेस्ट करने पड़ेंगे, इसको कस्टम जाकर इस तरह से मतलब एंटर करना होगा, तो आपका एक एक टैग सेपरेट होगा। तो यूट्यूब पे भी अगर आपने मतलब इस तरह से कॉपी कॉमा ना लगाया, कॉमा ना लगा के आपने इस तरह से कॉपी पेस्ट किया, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपके टैग जो हैं वहाँ पर पेस्ट हो जाने हैं। तो आपको समझ ही नहीं आएगी भाई टैग्स क्या चल रहे हैं, मतलब कैसे टैग्स आगे ही आगे चलते जा रहे हैं, तो इस तरह से शो आउट होंगे। तो इस तरह से नहीं करना, आपने कॉमा ज़रूर देखना है। तो कॉमा के बगैर आपने टैग्स यूट्यूब पे अपलोड नहीं करने हैं। अगर आपने एक सिंगल टैग लाइक यहाँ पर इस तरह से यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब फिर गलत हो गया, यूट्यूब चैनल सेटिंग अगर आपने खुद टाइप किया है, टाइप करके एंटर किया, तो फिर आपका एक सिंगल टैग ही जाएगा। बट आपने यहाँ से सारे कॉपी किए, कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट किए, तो फिर पूरे के पूरे टैग जो हैं आपके चले जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी हम लोगों ने फ्री मतलब फ्री यूट्यूब के लिए जो टैग जनरेटर वेबसाइट हैं वो देखी हैं। लाइक फ्री तो नहीं है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं से परचेज करने ही पड़ते हैं। दूसरी जो मैंने आपको फर्स्ट टू जो बताई हैं, आपको CPC अगर देखनी है, आपको कंपटीशन देखना है, तो आपको वो परचेज करना पड़ेगा। जब आपको फ्री टैग्स चाहिए बिगिनिंग लेवल के लिए, मेरे ख्याल से टैग्स जो आपको फ्री मिलेंगे वो काफ़ी हैं। और आगे जाके आपको मैंने काफ़ी ऐसी न्यू चीज़ें भी बतानी हैं जो कि आपको रैंक टैग प्रोवाइड करेगा। और कैसे करेगा, फ्री में करेगा, आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको टैग्स प्रोवाइड करेगा और आपकी वीडियो के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर, खैर छोटी तो नहीं, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बड़ी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।